संघामधील अष्टपैलू खेळाडू आहे। यावेळेस मोठा फटका पाहायला मिळाला आहे, बिगी आउट ऑफ द पार्क, कम ऑन डी इज ए मास्टर। थैंक यू सो मच डीजे मास्टर। वयाच्या 16व्या वर्षी तोरणा किल्ला जिंकणारे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं हे गीतकार पाहायला मिळतोय। यावेळेस पुन्हा एकदा त्याच दिशेने सेम स्ट्रोक सेम फटका, बिग रिझल्ट, बिग स्ट्रोक, कम ऑन डीजे। धन्यवाद डीजे मास्टर। यश यश, दिस इज ऑल अबाउट पॉवर ऑफ ईशान कडवे ऑन द बॉलिंग मार्क। यावेळेस पुन्हा एकदा मोठा फटका, बिग हिट, बिग स्ट्रोक। थँक्यू सो मच डीजे मास्टर। निश्चितपणे सर, खऱ्या अर्थानं संधी प्रत्येकाला मिळत नाही आणि जेव्हा कधी संधी मिळते त्यावेळेस पंकज जाधवचं वादळ मैदानावरती पाहायला मिळतंय। कम ऑन डीजे। ये जो पिच बनाया है ना, जो भी क्यूरेटर है उनकी मैं सराहना करना चाहूंगा। पहले ऐसा लग रहा था कि ये पिच गेंदबाजों को सहायता करती हुई है, मगर बल्लेबाज देखिए बहुत ही जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं और इसी वजह से अब ऐसा लग रहा है कि 5 ओवर में कम से कम यहाँ पे 60-65 रन होने जरूरी है। अरे यस, उत्तर पंकज जाधव ने अपने फटक्यातून दिले सुद्धा। पंकज जाधव का आंतरराष्ट्रीय टेनिस क्रिकेटपटू है ना, त्याचे उत्तम उदाहरण। वन्स अगेन, आहा, व्हाट अ शॉट, कडक षटकार। धन्यवाद डीजे मास्टर। पंकज जाधव का जो सफर है वो सही मायनों में पूरी तरह से एक संघर्षमय रहा है। हालांकि अलीबाग से उठकर वो इसे उनकी जो बल्लेबाज है, ये लिखिए पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, खड़े खड़े स्टैंड एंड डिलीवर, गेंद डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, 6 रनों के लिए आसमान दिखाया पहली गेंद पर मंदार को। एक चौका और ये लीजिए, आहा, जख्मों पर नमक छिड़कते हुए अभी अभी उनको जीवन दान मिला था और फिर से एक बार हवाई सफर 6 रनों के लिए।